नमस्कार दोस्तों, जो हमारे पास अपडेट निकल के आ रही है वो एसएससी पोस्ट फेस 11 की तरफ से है। क्या अपडेट आपको पूरा बताएंगे, जो आपके लिए खुशखबरी आई है वो आप इस वीडियो में पूरा देखना। आपके लिए जो खुशखबरी आई है वो आंसर की तरफ से है, यानी कि आंसर की एसएससी पोस्ट फेस 11 की जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है। किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे, 100% प्रूफ के साथ आपको जो डाउनलोड करके बताएंगे अपनी आंसर की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे वीडियो बना रहे हैं, कोई आंसर की नहीं आई, फिर भी वीडियो दे देते हैं व्यूज के लिए। हम आपको जो वीडियो जेन्युइन तरीके से देंगे, क्योंकि चैनल आपको इन्फॉर्मेशन स्टाफ के द्वारा लेके पहुंचाता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से पोस्ट फेस 11 की जो आंसर की आप अपनी जो है डाउनलोड कर पाओगे, तो पूरा आपको बताएंगे ए टू जेड, आपको जो स्टेप परफॉर्म करके बताएंगे, उसी तरह से आपने जो है स्टेप देखने हैं और उसी तरह से आप अपनी जो आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप ऐसे वीडियो बना रहे हो, भाई आपको हम इन्फॉर्मेशन जो बताते हैं वो स्टाफ के द्वारा है, हमने एसएससी जीडी मेडिकल का भी पहले दे दिया था, ऑफिशियल साइट पर भी नहीं आया था, हमने पहले अपडेट दे दी थी, ठीक है, क्योंकि हमें पता चला था कि जो उसका लिंक है वो सर्कुलेट हो गया है टेलीग्राम पे या ईमेल के थ्रू सर्कुलेट हो गया और हमारे पास सबसे पहले पहुंच गया था, हमने वीडियो बना के बाकियों तक पहुंचा दिया था। तो उसके बाद हम आपको जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी आंसर की, तो सबसे पहले किस तरह से डाउनलोड करनी है आपने देखना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है ssc.nic.in, यहाँ से ये वाली साइट ओपन करनी है, ठीक है, ऑफिशियल साइट पे आना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देख सकते हो होम नोटिस अप्लाई एडमिट कार्ड की जो अपडेट है यहाँ पे मिल जाएगी और आंसर की भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे आंसर की सिर्फ जीडी की होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से आपने पोस्ट ऑफिस 11 की डाउनलोड कर पाओगे। और आपको अगर कोई भी न्यूज़ चाहिए यहाँ पे मिल जाएगी एसएससी के रिलेटेड, तो आपने क्या करना है पोस्ट ऑफिस 11 की आंसर की करनी है सिर्फ। तो आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जो साइट है बिजी चल रही है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये साइट बिजी है, फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि डाउनलोड हो जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो नोटिस मिल जाएगा, नोटिस में जो लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डाउनलोड करने के बाद, लिंक ओपन करने के बाद आपने सीधा अपनी जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, किस तरह से जिस तरह से आपने एडमिट कार्ड की फिल करी थी एसएससी जीडी की, उसी तरह से आपने सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन डालनी है, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, उसके बाद आपकी जो आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। ये थी छोटी सी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।